हाँ तो भाई अब तक हमने इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन पढ़ लिया था, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, नेट के एग्जाम में 4 नंबर का, और गेट के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट है और ना ही आपको किसी बुक में मिलेगा, कभी बुक ढूंढना स्टार्ट करो। स्पिन पार्टीशन फंक्शन, देखिए स्पिन पार्टीशन फंक्शन हम किसकी बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू NMR प्रोस्पेक्ट से, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस प्रोस्पेक्ट से हम उसमें बात करेंगे। अब इसमें होता क्या है कि दो एनर्जी लेवल होते हैं, या मैं सिंपल बात करूं कि हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में NMR स्टडी करते हैं। अगर सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो ये क्या होगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर नीचे है ये क्या होगा अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, भाई इतना ही तो होता है। यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है प्लस के हाफ, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस के हाफ। अगर तुम्हें पता है कि NMR में जो एनर्जी आती है वो माइनस के यू बी आती है, जहां पर जो हमारा यू होता है, यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट, सुन लो मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ध्यान से, अब मुझे क्या है कि इसके लिए पार्टीशन फंक्शन निकालना है NMR में स्पिन की एनर्जी के लिए। अब हमें पता है कि जो नीचे अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी एनर्जी होती है माइनस के यू बी, यू इज द मैग्नेट एंड बी इज द फील्ड, और जो अपोज करता है उसके लिए जो एनर्जी होती है यू बी होती है। माइनस इसलिए होती है क्योंकि ये लोएस्ट एनर्जी, स्टेबल है ज्यादा क्योंकि अलोंग द फील्ड है तो ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी नेगेटिव या फॉर्मूले से भी निकल के आ जाती है वो आपको पता है, इसके लिए प्लस के यू बी। अब मैं क्या करता हूं, देखो एक्सप्रेशन तो ऐसे भी निकल सकता है, अगर पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में मैं लिखना चाहूं कि इस के लिए कितनी एनर्जी होगी, इसके लिए कितनी एनर्जी होगी, तो उससे भी निकल सकता है। लेकिन मैं चीजों को और ज्यादा सिंपलीफाई करने के लिए क्या कर देता हूं, यूबी यूबी दोनों में ऐड कर देता हूं, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों लेवल में ऐड कर देता हूं। अगर मैं इसमें प्लस के यूबी ऐड कर देता हूं दोनों में, ध्यान रखिए क्यों ऐड किया, क्योंकि मुझे चीजों को सिंपलीफाई करना है कि बाद में आपके पास एक एक्सप्रेशन आए वो बहुत इजी एक्सप्रेशन आए। अब देखिए जब इसमें मैं प्लस माइनस यूबी में प्लस यूबी एक्सप्लेन करूंगा तो इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा, और जब थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा तो इस लेवल के लिए जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी जीरो, बात ठीक है। इसका लेवल भी थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा तो इसमें जब यूबी प्लस यूबी ऐड करूंगा तो इसके लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी टू यूबी हो जाएगी। अरे कोई दिक्कत है अब तक नहीं, क्योंकि बस मैंने क्या किया यू बी एनर्जी को दोनों लेवल में ऐड किया, अगर एक में करता तब प्रॉब्लम थी लेकिन मैंने दोनों में कर दिया तो एनर्जी जब सेम ही ऐड हो रही है दोनों लेवल में तो दोनों का लेवल क्या हो गया इंक्रीज हो गया, बात ठीक है। अब इसके लिए जो मैं पार्टीशन फंक्शन लिखूंगा तो देखिए क्यू इक्वल टू क्या होता है समीशन जी आई ई की पावर माइनस के ई स्पिन करेंगे इस बार के टी। तो अब देखिए ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी कितनी है जीरो, और स्पिन की जो जी जनरेसी होती है वो भी क्या होती है स्पिन के लिए वन होती है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आया वन प्लस के, और जब इसके लिए पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस के टू बी बाई के टी। अब के टी को एक बार और लिखते हैं हम भाई, एक चीज ये और लिखते हैं कि 1 बाई के टी को हम क्या लिख सकते हैं b लिख सकते हैं इस तरीके से b कॉन्स्टेंट जो हम नाम उसमें निकाला था। तो अगर मैं इसको लिखूं तो हमारा q पार्टीशन फंक्शन आया 1 प्लस के e की माइनस 2 u b और b डैश, तो हमारे स्पिन के लिए पार्टीशन फंक्शन कितना आया इतना आया। अब इसमें क्या आती है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन रिलेट होकर आते हैं, किससे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन रिलेट होके आते हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन रिलेट होके आएंगे तो सेम बात अभी मैंने तुम्हें पढ़ाई थी कि अगर मैं निकालना चाहूं कि P नोट कितना होगा इसके लिए, तो P नोट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसकी एनर्जी लेनी पड़ेगी, इसकी एनर्जी लेनी पड़ेगी प्लस अपोन में क्या करना पड़ेगा टोटल करना पड़ेगा। तो P नोट ध्यान से देखिए, तो P नोट के लिए कितना हो जाएगा वन बाई टोटल, भाई एक टोटल आया ना क्यू स्पिन, तो P नोट के लिए कितना हो जाएगा वन बाई वन अपोन में वन प्लस ई की पावर माइनस के टू यू बी बी डैश, इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं पी वन के लिए निकालना चाहूं तो पी वन के लिए कितना आ जाएगी ई की पावर माइनस के टू यू बी बी, इस वन बाई के टी को भी मैंने क्या डाल लिया बी डैश, अपोन में कितना आ जाएगा वन प्लस ई की पावर माइनस के टू
यू बी बी डैश, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो e की पावर माइनस के 2u b b आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस के 1 बाई ई की पावर 2u b b आ जाएगा। तो इसको इधर ऐड ऑन करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको इधर ऐड ऑन करूंगा तो e की पावर माइनस के 2u b b आ जाएगा। इस वैल्यू को इधर ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस e की पावर 2u b b, और ये चीजें ऊपर जाके किस में चली जाएगी मल्टीप्लाई में, तो e की पावर कितना आ जाएगा 2u b, तो इन दोनों की पावर ऐड होगी तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा फंक्शन आएगा निकल के कितना आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस e की पावर 2u b। तो हमारे लिए जो P1 की आई प्रोबेबिलिटी 1 आई वो कितनी आई 1 बाई 1 प्लस e की पावर 2 u b b। एक b यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और एक b जो नीचे डैश लगा रखा है ये क्या है 1 बाई kt। तो P0 इतना P1 इतना। अगर अब तुमसे मैं बोलूँ कि P0 बाई P1 कितना होगा तो उसको कैसे निकालोगे, ये चीजें लिखते रहना इसी सीरीज में। तो अगर तुमसे मैं बोलूँ कि P नोट बाई पी वन कितना होगा तो क्या पता चलेगा, इससे फ्रैक्शन पता लगेगा कि पी नोट बाई पी वन का कितना फ्रैक्शन है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब पी नोट बाई पी वन, अब पी नोट बाई पी वन, तो पी नोट कितना हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस ई की पावर माइनस के 2 यू बी, इतना फैक्टर आ गया। अपोन में कितना आ जाएगा, अपोन में भी कितना आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस e की पावर 2u b, b फैक्टर आ जाएगा। बात ठीक है, अब ये फैक्टर है, ये फैक्टर ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस के e की पावर 2u b b डैश, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस के 2u b b डैश। सेम चीजें करनी है, अब इसको क्या करना है खोल देना है, ये चीजें रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है मुझे, अब देखिए आगे कुछ नहीं करना, बस नीचे वाली टर्म है उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, यू बी बी डैश अपॉन में इसको क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 1 बाई ई की पावर 2 यू बी बी। अब ये चीजें यहां प्लस में चली जाएगी, उसके बाद ये कहां चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो देखिए 1 प्लस ई की पावर 2 यू बी बी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ई की पावर 2 यू बी बी डैश, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर 2 यू बी बी डैश। इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इक्वल टू कितना आ गया e 2u b b डैश, मतलब b और b डैश। तो ओवरऑल हमारा अगर निकल के आता है p नोट बाई p1, अगर तुमसे कोई पूछ लेता है तो e की पावर कितना आ जाएगा 2u b b डैश, या मैं सिंपल कहूं तो ये किसके इक्वल हो सकता है, तो e की पावर ei बाई kt के, जितनी हमारी एनर्जी होगी, ये देखो ये एनर्जी ध्यान से देख पा रहे हो 2UB, ये वो एनर्जी है जो हमारी ऊपर वाले लेवल में थी, तो EI बाई कितनी हो जाएगी KT हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इतना कंसेप्ट समझा दिया, अब इससे क्वेश्चन कैसा आया था वो देखिए, तो क्वेश्चन लिखिए, इसमें क्वेश्चन आया था पूरी लैंग्वेज से लिखा रहा हूँ, नेट 16 में आया था, नेट 16 2006 हाँ नेट दिसंबर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, नेट दिसंबर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखिए, इफ द एनर्जी ऑफ ए बेयर प्रोटोन अलाइंग अलोंग एंड अगेंस्ट ऑन एक्सटर्नल स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इफ द एनर्जी ऑफ ए बेयर प्रोटोन अलाइंग अलोंग एंड अगेंस्ट ऑन एक्सटर्नल स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बी जेड आर, वैल्यू दे रखी है, वैल्यू लिख देता हूं, वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है कि बारिश की, दो वैल्यू दे रखी है, पहली क्या e की पावर माइनस एच न्यू, माइनस क्या दे रखा है एच
बी जेड बाई कितना दे रखा है 2, एक वैल्यू ये दे रखी है, एक वैल्यू दे रखी है एच बी जेड बाई 2, बात ठीक है, दोनों एनर्जी दे रखे। अब देखिए सुनिए क्वेश्चन को ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। इफ द एनर्जी ऑफ ए बेयर प्रोटोन अलाइंग अलोंग एंड अगेंस्ट ऑन एक्सटर्नल स्टैटिक्स मैग्नेटिक फील्ड बी जेड आर माइनस ये वाली वैल्यू रेस्पेक्टिवली, बात ठीक है, देन द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी, सुनिएगा ध्यान से, देन द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द प्रोटोन अलोंग एंड अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या होगा निकालिए, ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, देखिए ऑप्शन भी सुन लीजिएगा, ऑप्शन भी दे देता हूं, क्या ऑप्शन दे रखे है, ऑप्शन ए दे रखा है आपको e की पावर माइनस एच न्यू बी जेड बाई 4kBT, बी ऑप्शन आपको क्या दे रखा है e की पावर माइनस के एच यू बी जेड बाई 2kT, बात ठीक है, ये kBT है नीचे, सॉरी kBT, ऐसे बोल्ट्समैन कांस्टेंट बोलते हैं। सी ऑप्शन क्या दे रखा है, ई की पावर एच न्यू बी जेड बाई 2kT, और डी ऑप्शन हमें दे रखा है ई की पावर एच न्यू बी जेड बाई, मतलब ये वाला एच न्यू यही है, ठीक है, ई की पावर एच न्यू बी जेड बाई क्या दे रखा है kT, हाँ kT, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। पहली बात तो तुम क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो गए होंगे क्या पूछ लिया, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन अभी मैं तुम्हें सोल्व कराया है, इसके लिए तुम क्या आंसर लिखोगे बताओ, कुछ बच्चों ने ये आंसर लगाया होगा, कुछ बच्चों ने ये लगाया होगा, राइट आंसर क्या है इसका, ये राइट आंसर है इसका। अब देखिए क्वेश्चन की कुछ नहीं करना, अप्रोच सेम रखनी है, उसने कहा कि एक बेयर प्रोटॉन की एनर्जी स्टैटिक्स मैग्नेटिक फील्ड में 2 एनर्जी दे रखी है, अब एक बेयर प्रोटॉन रहेगा या प्रोटॉन मान लो 2 एनर्जी है, एक अलोंग द, सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, ये अलोंग में है और ये अगेंस्ट में है, रेस्पेक्टिवली दे रखी है, जब अलोंग में एनर्जी दे रखी है वो कितनी दे रखी है माइनस के एच यू बी जेड बाई कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, और अगेंस्ट में कितनी दे रखी है प्लस के एच न्यू आर बी जेड बाई 2 दे रखी है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी कभी आपको स्टैटिक्स मैग्नेटिक फील्ड में NMR के ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाता है तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में डायरेक्ट जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नीचे है इसी को एड ऑन कर दो, तो अगर तुम प्लस में इसमें इतनी एनर्जी एड कर दो बी जेड बाई 2, तो हमारा लेवल बढ़ जाएगा, एक लेवल ये और एक लेवल ये, भाई प्रोटॉन तो वहीं रहेंगे इनका कोई मतलब, बस थोड़ा लेवल बढ़ेगा जिससे चीजें सिंपली, जब इसमें ये वैल्यू ऐड करूंगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, और जब इसमें ये वैल्यू ऐड करूंगा यहाँ पे कितना आ जाएगा एच न्यू बी जेड आ जाएगा, भाई 2 की मल्टीप्लाई होगी ना इसमें ऐड करेंगे तो 2 की, तो हमारे इतने एनर्जी आएंगे। अब ध्यान से, तुमने अभी मैंने एक्सप्रेशन निकाला था पी नोट बाई पी वन इक्वल टू क्या निकाला था EI बाई KT, अरे निकाला था ना, कुछ नहीं करना, ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होती थी, ये वाली एनर्जी होती थी, पीछे देखो जाके यहाँ पर जो एनर्जी आई थी वो ये एनर्जी आई थी, तो ये क्वेश्चन तो सोल्व करना ही नहीं था, सिंपल आंसर क्या हो जाएगा पी नोट बाई पी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर एच यू बी जेड बाई KT, लो आ गया फाइनल आंसर, आंसर कौन सा होगा, ये आंसर होगा। तो ये सिंपल सा जो कंसेप्ट था ये किससे था, स्पिन पार्टीशन फंक्शन से। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन का, लेकिन न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन से पहले मुझे आपको कुछ चीजें समझानी पड़ेगी, कोई क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच देखना पड़ेगा एक वेव फंक्शन का, तभी आप चीजों को आगे से समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन, क्या है क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन।